आज इस कम शॉर्ट इस नोटिस पे आप लोग हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक बहुत ही बड़ा अहम और एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बारे में तफसीलन हमारे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट आप लोगों को वाजिह तौर पे आप लोगों को बताएगा। एक दो चीज़ें आप लोगों के सामने आज बोलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। सबसे पहले हम आप लोगों को बखूबी इल्म है, टैक्सी यूनियन कारगिल पिछले 15 दिन से एक इन्फिनाइट हंगर स्ट्राइक पे है, जिसका होली और सोली मकसद यही है जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे गाड़ियों को जो परमिट इशू किया है उसको ग्राउंड रूट लेवल पे इनर जितने भी लद्दाख के इनर रूट्स हैं वहाँ पे चलने की हमें इजाज़त मिले। इसके रिगार्डिंग अभी आप लोगों को भी पता है, पिछले दौरान हमारे यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ भी हमारा बैठक हुआ और हमने बहुत सारे स्ट्राइक वगैरह भी यहाँ पे किया। और हम करगिल के आवाम का और तमाम स्टेक होल्डर का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने आज तक हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और हर विषय पे, हर इशू पे हमारे साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं। इसमें हमारे तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके ही रिगार्डिंग हमारा अभी तक का जो इशू जो हुआ है, इसमें एक दो चीज़ें इम्प्रूवमेंट आया है। हमने दो जगह से ये जंग लड़ी है, एक हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लड़ा था, दूसरा हमने कानूनी तौर पे भी हमने लड़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो क्लेरिफिकेशन इसके बारे में आना चाहिए था अभी तक नहीं आया है। और जो कानूनी जंग हम लड़ रहे थे उसमें बहुत बड़ा एक हमें रिलीफ मिला है, हमारे समर्थन में, हमारे हक में वो ऑर्डर आया है। इसका हम तमाम टैक्सी यूनियन की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने एक ऑर्डर कल ही हमें मिला है जिसके ज़रिए उनको ले एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी हमारे गाड़ीज़ है जो इल्लीगल वहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह नाका लगाया है, इसको तुरंत ख़त्म करके स्मूथली हमारे कारगिल के टैक्सियों को मूवमेंट करने की इजाज़त दें। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का भी मेंटेन रखने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा रिलीफ है, हमारे तमाम टैक्सी ऑनर्स के लिए और तमाम हमारे ड्राइवरों के लिए। और इसके चलते चलते हमने, हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ ने ये निर्णय लिया है, हम ट्रायल बेसिस पे कल परसों जो है हम इनर रूट्स तमाम खत्ते लद्दाख के हम उसका दौरा करने वाले हैं। और वहाँ कहीं कुछ होता है उसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और यही बातें जो है, विषय जो है आप लोगों के पास रखना था। इसके आगे जो फर्दर जो बातें हैं हमारे यहाँ के टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप तमाम मीडिया हजरात का हम टैक्सी यूनियन की तरफ से बहुत ही मशहूर है कि आप हमारे इतने शॉर्ट से नोटिस पे यहाँ पे आए, हमें कवरेज किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए आप सब यहाँ पे आए।
आज तक जो कवरेज दिया आप लोगों ने, जितना हमारे जो इशू था उसको हाईलाइट किया, उसके लिए हम दिल से पूरे टैक्सी यूनियन के तमाम मेंबर्स, ड्राइवर्स, ओनर्स, ये सारे आपका जो है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, आज तक जो हम हंगर स्ट्राइक में बैठे थे यहाँ, उससे पहले कारगिल बंद की कॉल दी गई, उन सब का सिला हमें मिला है। मैं आपके माध्यम से तमाम कारगिल वासियों को, तमाम टैक्सी ड्राइवर्स को और टैक्सी ओनर्स को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमें एक खुशखबरी है, तो उस पर भी मैं अभी आ जाऊँगा। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रगल था ये बहुत पहले ही निकला हुआ था, आप सभी को पता है 3-4 महीना पहले हमारा ये जो इशू चला था, तो तब से आज तक हमने बहुत सारे स्ट्राइक्स किए, उसमें हमारे सारे मेंबर्स का, सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम स्टेक होल्डर्स का, तमाम मर्चेंट एसोसिएशन का, हर किसी का बहुत ही बड़ा इसमें योगदान रहा है। तो उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स और मर्चेंट एसोसिएशन, ये सारे जितने कारगिल वासी जिन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा हमें सपोर्ट दे के, पूरा कारगिल बंद का कॉल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट का कॉल हो, उस सारे को यहाँ पे अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाया, उसके लिए हम पूरे कारगिल वासियों को टैक्सी यूनियन की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसके बाद हमारा ये जो मसला था, ये हमारा 30 अप्रैल से हमारा ये मसला चला था, आप सभी को बखूबी पता है। इसके बाद हमारा हंगर स्ट्राइक चला, बीच में मुहर्रम आ गए, मुहर्रम के चलते हमारा थोड़ा स्ट्राइक को जो है वो नॉर्मल रखना पड़ा, तो वो भी हमें देखना था। तो हमारे बहुत सारे मेंबर्स, ड्राइवर्स ने हमारा बहुत कोऑपरेट करके इसको कामयाब किया। आज उसी कोऑपरेशन का सिला यही है कि आज हमें एक खुशखबरी मिला है ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से, कि हमें जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता है तब तक हमें इंटायर लद्दाख जो भी रूट्स हैं वहाँ पे चलने दिया जाए। ये डायरेक्ट हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट का है, उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लद्दाख, डिप्टी कमिश्नर सीओ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ले रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लद्दाख, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कारगिल, इन सारे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करें और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, इनको जो है ग्राउंड रूट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करें। तो उम्मीद है हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है उसको जल्द से जल्द इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें उम्मीद है। तो और दूसरी बात, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, डीसी साहब हो, सीसी साहब हो, हमारे एसएसपी साहब हो, क्योंकि उन्होंने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि यह हमारा जेन्युइन डिमांड था और लीगल डिमांड था। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस जो प्रोटेस्ट को है यहाँ तक पहुँचाया और यहाँ तक कामयाबी से हमने ये किया, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके लिए भी हम हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कारगिल का, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ तमाम ड्राइवर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज के बाद जो हमें ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के हिसाब से कहीं पे भी इंटायर लद्दाख, चाहे लेह में हो, चाहे कारगिल में हो, ज़ंस्कार हो, जिस जगह में भी जाना हो, कोई इशू नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको बराबर अपनी सुपरविजन में देखेंगे, सबको सेफ्टी मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा। उसके लिए मैं पूरे तमाम कारगिल वासियों को, खुसूसन यहाँ पे जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑनर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आप लोगों की ही मेहनत है कि जो आज हमें ये ऑर्डर आया हुआ है, ये आप लोगों की ही मेहनत है और आप लोगों की ही सपोर्ट से ये हमें जो कामयाबी मिली है, ये एक्चुअली हमारे सारे सपोर्टर्स जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स में से हो, चाहे होटलर्स में से हो, सारे लोगों की मेहनत है कि आज हमें ये कामयाबी मिली। और ये कामयाबी जो है, ये कानून की कामयाबी जो है, कानून को मिली है, और कानून की कामयाबी हम तो यही समझते हैं, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और हमें उम्मीद भी था, इस उम्मीद से कि हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट से अपील किया था, उन्होंने हमारे इस रोज़गार का, हमारे से कितने फैमिली जुड़े हैं, उन सब का लिहाज रखा, पास रखा। तो आज जो है ये ऑर्डर आया हुआ है, ये हमारे पूरे लद्दाख में जो भी है सबके फेवर में आया है, और उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। और तीसरी बात, और एक चीज़, कल के प्रोग्राम में से कल हमारा यहाँ लेह में, हम खुद एक वफद की शक्ल में, मैं खुद जा रहा हूँ, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जा रहे हैं,
तो ड्यूकॉम साहब से भी मिलेंगे, ड्यूकॉम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, एलजी साहब से अगर मिलने की ये हुआ तो एलजी साहब से भी मिलेंगे और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उनसे हम मिलेंगे पर्सनली जाके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कल हमें वहाँ पे टाइम देंगे, हमसे मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे, उम्मीद है वो हमें मिलने देंगे और जो हमारे पास जो ऑर्डर आया हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जल्दी से जल्द अज जल्द हो। और ऑलरेडी हमने जो ये लेटर जो सबमिट किया है इंटीमेशन, तो रिक्वेस्ट किया है कि इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। ये हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के नाम हमने जो चिट्ठी लिखा है, ये हमने मेल किया हुआ है अभी 2-3 घंटा पहले, इंशाल्लाह वो उनको भी वो लेटर मिलेंगे तो हमारे रिक्वेस्ट पे भी और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पे भी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। और कल के बाद हमारे जो गाड़ियों का जो सिलसिला है, मूवमेंट है, जिनका जैसा क्या कहते हैं ये ट्रैवलिंग के जैसा प्लान होगा, ट्रैवल का जैसा प्लान होगा, जिसके साथ जो टूरिस्ट होगा या कोई एजेंसी से या अपना पर्सनल कोई टूरिस्ट होगा, वो लेके हम आज के बाद जो है हमारी गाड़ियां यहां से लेके इनर रूट्स में जाएंगे, कारगिल, जांस्कर, पूरे इंटायर लद्दाख में हर जगह घूमेंगे। अगर वहाँ पर हमारे ड्राइवर्स के साथ या गाड़ी के साथ अगर कुछ होता है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इनका ख्याल रखें कि इनका सेफ्टी और सिक्योरिटी का लॉ एंड ऑर्डर का हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। और इंशाल्लाह हम भी चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से पूरी कोऑपरेट करेंगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पूरे कोऑपरेट करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई यहाँ ऐसी वैसी चीज़ें ना हो। तो इंशाल्लाह कल हम खुद एज ए प्रेसिडेंट, मैं खुद जा रहा हूँ, हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी जा रहा है, हमारा एमडी हसन पाशा साहब जा रहे हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी जा रहे हैं, उसके साथ हमारा जिनका शेड्यूल होगा टूरिस्ट का वो भी लेके जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 गाड़ी जाएंगे वो अपनी मर्जी से, जिनको जैसा सवारी होगा, जैसा टूरिस्ट होगा या कहीं का भी उसका टूर पैकेज होगा, वो उसी हिसाब से कल से हमारा ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। और इसके साथ मैं तमाम मीडिया हजरात का और एक बार फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पूरे स्टेक होल्डर्स का, स्पेशली पीसी पैलेस के ओनर खादिम चाचा के, जिन्होंने कल का जो हमारा मीटिंग था उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हमारे टैक्सी यूनियन का, क्योंकि हमारे जो ये डिमांड था उसको हक बजानी समझते हुए उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया, उसका हम स्पेशली दिल से बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं कि कल अपने होटल में हमें जगह दिया और वहाँ पे चाय पानी जो भी होता है वहाँ पे इंतज़ाम किया उन्होंने। तो उनका ये कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह हम कभी नहीं भूलेंगे, उसका हम बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया।